दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किसी भी MP3 पर आप अपना जो पिक्चर है वो कैसे सेट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी MP3 हो उस पे अपना आप फोटो कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों उसको बताने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उस पर जाइए और क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। तो मैं अपना प्ले स्टोर जो है वो खोल लेता हूँ। चलिए हमारा प्ले स्टोर जो है वो अब खुल रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा प्ले स्टोर जो है वो खुल चुका है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको टाइप करना है आई टैग। देखा आप, मैंने इसे टैप कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट आएगा आई टैग म्यूजिक टैग एडिटर, इसे क्या करना है आपको इंस्टॉल कर लेना है। 2.36 MB की शायद ये ऐप है, तो आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं अब इसे ओपन करता हूँ। तो चलिए मैंने इसे ओपन किया, सॉरी यहाँ से ओपन करता हूँ। ये देखिए मेरा जो आईटेक एडिटर है वो अब आ चुका है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए हमने एक्सेप्ट पर क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे क्या होगा, आपके फ़ोन में जो भी आपका म्यूजिक है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। मेरे फ़ोन में बस एक म्यूजिक है इसलिए एक ही दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना पहला म्यूजिक जो है उसे ओपन करता हूँ। तो चलिए मैंने इसे ओपन किया। तो आप देख सकते हैं ये कहानी 2 की जो सॉन्ग है जिसपे मेहराम लिखा हुआ, मतलब ये सॉन्ग जो है यहाँ पर विद्या बालन का जो पिक्चर लगा हुआ है, मैं इसे क्या करूँगा, इसे हटा दूँगा और यहाँ पर अपनी तस्वीर जो है वो लगा दूँगा। तो जब आपको यहाँ पे कोई भी अगर पिक्चर होगी उसे हटाना होगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लियर कवर पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैंने क्लियर कवर पे किया, तो देख सकते हैं यहाँ आप कोई पिक्चर जो है वो अब नहीं है। जब यहाँ से पिक्चर हट जाए उसके बाद आपको क्या करना है, पिक पिक्चर पे क्लिक कर देना है। मैंने पिक पिक्चर पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी। तो देखिए मैं पहले गैलरी में चले जाता हूँ, उसके बाद जो पिक्चर आपको सेट करना हो उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लिया जाए मुझे ये पिक्चर लगानी है तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए मैंने इस पिक्चर को क्लिक किया, अब वहाँ पे जो है वो उस पोस्टर के जगह पे मेरा पिक्चर जो है वो आ चुका है। जब आप अपना पिक्चर सेलेक्ट कर लें तब आपको सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक सेव का ऑप्शन है, इस पर जाइए और क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ आ गया MP3 टैग सेव्ड, ओके। तो चलिए हम ओके कर देते हैं और आपको प्ले करके दिखाते हैं कि मेरा पिक्चर जो है वहाँ आया है या नहीं। तो चलिए हम बैक आ जाते हैं, फिर मैं ऐप्स में जाता हूँ और मैं अपना म्यूजिक प्लेयर अब ऑन करता हूँ। एक मिनट, ये देखिए मेरे पास प्ले म्यूजिक जो फ़ोन में होती है उसे मैंने ऑन किया। अब देखिए ये जो मेहराम जो मैंने सॉन्ग बताया था उसको देखिए मैं अब प्ले करूँगा, वहाँ मेरी पिक्चर जो है अब दिखाई देगी। ये देखिए मेरी पिक्चर दिखाई दे रही है। चलिए मैं इसे प्ले कर देता हूँ। देखा आप, देख तो आपने देखा होगा, तो आपने अभी सुना होगा कि यहाँ जो है वो MP3 चल भी रहा है और यहाँ पे जो पिक्चर भी है वो अब चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो जो है वो पसंद आया हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाय एवरीवन, आशा करी तुम्हारा वीडियो खूब भलो लेगे। और भलो भलो वीडियो देखार जन अवश्य सब्सक्राइब करते भूलो ना, बटने लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करो। एंड प्लीज कीप वाचिंग।